सही गाइस, योर माइंड में सारे आज मैं बात करने वाला हूँ PS5 के बारे में। आपको यहाँ पर दिखता तो दिखता इन्फॉर्मेशन में आपको A to Z अभी तक जितनी भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं मैं आज उसके बारे में ऑफिशियली बात करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वहाँ पे हमें प्रोसेसर में AMD का Zen 2 जो कि लेटेस्ट आर्किटेक्चर पर बेस होगा वह हमें 3.2 GHz की फ्रिक्वेंसी वाला प्रोसेसर देखने मिलने वाला है। हालांकि वो प्रोसेसर नहीं होगा, वो APU होगा। साथ में हमें 812 GB की SSD मिलने वाली है। सालों ने 1 TB भी नहीं ली लेकिन फिर भी हमें उसका वो जो बेस मॉडल होगा उसमें हमें 812 GB की SSD मिलने वाली है। हाँ, और आप उसमें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। पॉइंट ही अगर हम डिजाइन की बात करें तो वहाँ पे अभी PS5 की वो जो वेब किट होती है उसके डिजाइन बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर हम जो गेमर्स के लिए जो PS5 बनेगी उसके डिजाइन अभी तक उन लोगों ने बाहर नहीं किया है। हाँ, वो जो PS5 का वो जो कंट्रोलर होगा ना और उसके डिजाइन बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर जो ऑफिशियल PS5 होगा उसके डिजाइन अभी तक बाहर नहीं आई है। पॉइंट फोर अगर हम DualShock 5 की बात करें तो पहली बात की वहाँ पर DualShock 5 होने ही नहीं वाला है। हाँ, अभी तक जो प्ले स्टोर होते थे उसमें उसके कंट्रोल के नाम DualShock होते थे। यहाँ पर अब जो नया कंट्रोलर आने वाला है उसका नाम DualSense होने वाला है। मतलब कि DualSense 1 या फिर DualSense 5 वो लोग क्या रखेंगे अभी उसका तो उन लोगों ने अनाउंसमेंट नहीं किया। यहाँ पर DualSense नाम होने वाला है ये बस 100% कन्फर्म है। हाँ, और उसके इमेज भी ऑफिशियली उन लोगों ने रिवील कर दिया है जिसके इमेज में अभी यहाँ कहीं पे डाल दूंगा। 0.5 अगर हम प्राइस की बात करें तो अभी प्राइस का कुछ भी नहीं कहा जा सकता बिकॉज सबसे पहले उसकी प्राइस बाहर आई थी $999, मतलब कि तकरीबन 1 लाख रुपये, जो कि शायद हो भी सकती है बिकॉज उसका जो प्रोसेसर है वो लगभग GTX नहीं पर RTX 2070 के बराबर है। यहाँ पर बाद में वो किसी जापानी सोनी एम्प्लॉय ने रिवील किया था कि उसके प्राइस बजट प्राइस होने वाली है मतलब तकरीबन 50 या 7 हज़ार। तो अभी उसका ऑफिशियल जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते बिकॉज उसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही हाई है। मतलब कि वो जो 80-90 हज़ार का वो जो PC होता है उसमें जो ग्राफिक कार्ड होता है वही उसमें होने वाला है। तो अभी प्राइस का कुछ भी नहीं कहा चल सकता जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। सो गाइस, ये था एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट PS5। अगर आपको ऐसे वीडियो और ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। और अगर कोई भी PS5 के अनाउंसमेंट होंगे तो सबसे पहला वीडियो आपके पास ही आएगी। अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिए।